नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9 और मैं हूं आपके साथ इस वक्त नेशनल खबर 9 पर फारूक अब्दुल्ला। आज हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम खबरें। कश्मीर से धारा 370 फिलहाल खत्म हुई और इसका इफेक्ट अब सामने आने लगा है। पहले जहां आम भारतीय अन्य राज्यों की तरह खुलकर रहने और सोचने की आज़ादी नहीं थी, लेकिन अब कश्मीर में वो बातें नहीं रही। लिहाजा वहाँ की युवक युवतियाँ भी दूसरे राज्यों की तरह प्रेम प्रसंग कर अपना जीवन साथी चुनने लगे हैं। ताजा घटना सुपौल जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले दो युवकों से जुड़ा है, जिस पर आरोप है कि वो कश्मीर से युवतियों को भगाकर लाया है। हालांकि मामले में युवतियाँ उस आरोप को खारिज करते हुए कहती हैं कि वो लड़कों से प्यार करती हैं और शादी भी किया है। मालूम हो कि राघोपुर थाना क्षेत्र के राम बिशनपुर निवासी परवेज आलम और उसका भाई कश्मीर में राजमिस्त्री का काम करता था, जहां कश्मीर की रहने वाली नदियां और साइना जो कश्मीर के जिला रामबन की रहने वाली बताई गई हैं, उससे प्यार कर बैठा और फिर उससे शादी भी कर ली, जिसके बाद दोनों युवतियों को सुपौल ले आया है। उधर कश्मीर के रहने वाले युवती के पिता यूसुफ ने कश्मीर में अपने नाबालिग लड़की के अपहरण का केस दर्ज करवाया था, जिस मामले में केस के अनुसंधान को लेकर कश्मीर पुलिस सुपौल पहुंची, दोनों युवतियों को बरामद कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बताया जाता है कि दोनों युवक मजदूरी करने कश्मीर गए थे, जहां दोनों को कश्मीर की दोनों युवतियों से प्यार हो गया। बाद में दोनों ने शादी भी रचाया और युवतियों को लेकर वहां से अपने घर सुपौल आ गए। युवकों का कहना है कि वो लड़कियों से कोर्ट में शादी किया है, जिसका सबूत भी उसके पास है। फिलहाल सुपौल पहुंचे कश्मीर पुलिस ने दोनों आरोपी भाई को न्यायिक हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सुपौल आए हैं, बिहार आए, क्या मामला? हम चलेंगे ना। चलो सर, कुछ तो बताया जाए, कश्मीर से आए हैं। चलो ना सर, हम चलेंगे सर। हम अथराइज नहीं है, सब इंस्पेक्टर लेवल के लोग हैं, हम अथराइज नहीं है। क्या मामला? अपहरण का, लड़की अपहरण का। तो यहाँ से बरामद करके ले जा रहे हैं लड़की? जी सर। लड़का को भी बरामद कर लिया? सुपौल का मामला? यस सर। कश्मीर से लड़की यहाँ आई? जी। क्या नाम हुआ सर? क्या नाम हुआ? मेरा नाम है समीर। यहाँ राघोपुर के राम बिशनपुर गांव के परवेज और तबरेज, ये दोनों सगे भाई थे जो राजमिस्त्री का काम करने ये गए थे कश्मीर, और कश्मीर के रामबन जिला के नगमा बनिहाल गांव में ये वहाँ पे राजमिस्त्री का काम करते थे, सेंट्रिंग का काम करते थे, वहीं पे रहते रहते वहाँ की दो सगी बहनें नादिया और साइना से इनका प्रेम प्यार हो गया। उसके बाद से शादी के लिए अपहरण हेतु उन्होंने अपहरण करके भी दोनों लोग लाए यहाँ पर राघोपुर में। 8-10 दिनों से थे और वहाँ जो सगी बहनों का जो बाप है वो वहाँ FIR दर्ज कराया था। उसी सिलसिले में वहाँ से अधिकारी आए थे और यहाँ पे उनको दोनों बहनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। उनके साथ जो लोग आए थे सबको अपने हिरासत में ले करके और कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है। फिर आगे कोर्ट के आदेशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। बोलिए, जोर से बोलिए। अकेले आए आप लोग जम्मू कश्मीर से या दोनों मिल के आए? अकेले आए। कितना दिन से उनसे प्यार चल रहा है? 3 साल। 3 आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग 3 साल अभी जम्मू कश्मीर से पुलिस आई आपको ले जाने? नहीं जाए। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम? नादिया। तो राजीनामा शादी कर किया है, भाग के की है, और कोर्ट में वो सबूत भी है और हमारे पास भी सबूत है। हम दोनों राजी हैं, वो भी राजी है, मैं भी राजी हूँ। और उधर पे अपहरण केस की जो इल्ज़ाम में हम लोगों को फंसाया गया है, तो इसीलिए हम लोग थाने में। क्या नाम है? मोहम्मद परवेज आलम, घर राम बिशनपुर गौसाबाद, थाना राघोपुर, डिस्ट्रिक्ट सुपौल। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे और भी ऐसी ही इन तमाम खबरों के लिए बने रहें नेशनल खबर 9 पर। अब चाहेंगे इजाज़त, नमस्कार।